नमस्कार, द एंटरटेनमेंट लैब में आपका फिर से स्वागत है। बात करते हैं नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज्ड शो ये काली काली आंखें के सीजन 2 के बारे में। तो सीजन शुरू होता है एक सीन से जहां एक औरत कार में अपनी बेटी के साथ फास्ट स्पीड में जा रही है और पुलिस के पीछे पड़ी है। उसके बाद वो उसकी बेटी को अपनी गाड़ी से बाहर निकालती है और एक क्लिफ से गाड़ी सहित कूद जाती है। कूदने से पहले अपनी बेटी से कहती है, पूर्वा तुम डरना मत, गुरु तुम्हें संभाल लेगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट डे सीन जहां पूर्वा किडनैप हो चुकी है और उसे बांध के रखा हुआ है और कहीं और दूसरी तरफ विक्रांत बेड पे बेहोश पड़ा है और सारी बातें याद कर रहा है और मन ही मन सोचता है, अब पूर्वा वापस आ गई तो सब खत्म, मतलब उसे मारना होगा और 100 करोड़ कहां से आएंगे। अब जैसे ही उसे होश आता है तब अखिराज अवस्थी और विक्रांत के पिता सामने खड़े होते हैं और उससे पूछते हैं कि किडनैपर तुमसे क्यों बात कर रहा है और उसे कितने रुपए चाहिए। तभी विक्रांत कहता है कि आखिर मैं पति हूँ उसका और किडनैपर को 300 करोड़ रुपए चाहिए। अब नीचे विक्रांत देखता है अखिराज बाकी लोगों से पूछता है पैसों का बंदोबस्त हुआ या नहीं और वहाँ पुलिस वाले भी होते हैं। साथ ही विक्रांत देखता है बहुत लोग सलाहकार के रूप में खड़े हैं, साथ ही फोन भी ट्रैकिंग पे लगे होते हैं। ये सब देखकर विक्रांत डर जाता है क्योंकि आखिरकार ये सब उसी का किया धरा है। तभी विक्रांत कहता है कि पापा, किडनैपर ने ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने से मना किया है। और तभी फोन आता है। अब फोन को पहले ही टैप पे लगा दिया गया होता है और विक्रांत को फोन उठाने को कहा जाता है। अब विक्रांत डर के फोन उठाता है और वहां से किडनैपर पूछता है पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं। तभी विक्रांत कुछ भी आगे बोलने से पहले फोन पटक देता है ताकि किसी को कुछ भी ना पता लगे और ड्रामा क्रिएट करते हुए नाटक करता है कि पुलिस वालों को इन्वॉल्व मत करो वरना पूर्वा मारी जाएगी। अब अखिराज सबको वहां से जाने को कहता है। इसके बाद विक्रांत के मोबाइल पे किडनैपर का कॉल आता है और अखिराज उसे फोन स्पीकर पे डालने कहता है। विक्रांत स्पीकर पे बात करता है और बात संभाल लेता है डायरेक्ट ये बोलकर कि पैसों का इंतजाम हो गया है और पूर्वा के पापा यहीं सामने बैठे हैं, लो उनसे बात करो। तभी अखिराज किडनैपर से पूर्वा से बात करवाने की मांग रखता है और किडनैपर कहता है कि वो 4 बजे वीडियो कॉल पे उसकी बात करवा देगा। उसके बाद अखिराज धर्मेश को कॉल लगाता है तो उसके आदमियों से पता लगता है कि वो किसी डॉली की शादी में दिल्ली गया था और वहां से वापस नहीं आया। विक्रांत समझ जाता है ये तो शिखा की बात कर रहे हैं और कुछ गड़बड़ तो है। फिर वो शिखा को कॉल करता है, वो कहती है वो मुसीबत में है और विक्रांत को तुरंत वहां दिल्ली बुलाती है। अगली तरफ किडनैपर को शेरपा नाम का एक आदमी ऑफर देता है कि उस लड़की को, मतलब पूर्वा को, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके मुझे दे दो तो मैं 1000 करोड़ दूंगा। पर आगे हम देखते हैं पूर्वा बाथरूम के बहाने वहां से भाग निकलती है और दूसरी तरफ विक्रांत शिखा के घर दिल्ली पहुंचता है। वहां बाहर से सब नॉर्मल था और शिखा के पापा भी नॉर्मल एक्ट करते हुए उसे शिखा के कमरे में भेजते हैं। वहां जाके वो देखता है कि धर्मेश मरा पड़ा है और शिखा बताती है कि कल रात वो शादी के समय शिखा को मारने आया था, तभी उसकी मम्मी ने उसके ऊपर गमला फेंक मारा जिससे वो मर गया और तभी इन लोगों ने उसकी लाश यहाँ बाथरूम में छुपा दी। पर जब विक्रांत चेक करने गया तो पता चलता है वो जिंदा है, पर तभी विक्रांत उसे मार देता है। आगे विक्रांत को पता चलता है कि शिखा की शादी अखिल नाम के एक लड़के से हो गई है और वो एक पुलिस ऑफिसर है। फिर विक्रांत शिखा को नॉर्मल बिहेव करते हुए नीचे जाने को कहता है और ऊपर विक्रांत धर्मेश की बॉडी के टुकड़े करके एक बैग में भर के निकल ही रहा होता है कि वो अखिल से टकरा जाता है और कुछ बातचीत के बाद वहां से निकल लेता है। अगली तरफ भागी हुई पूर्वा का एक गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, पर कोई भी वहां उसकी आइडेंटिटी तो नहीं जानता। जब उसे होश आता है तो वहां से भाग निकलती है। अब यहां अखिराज गुरु को कॉल करते हैं और उससे मदद मांगते हैं और गुरु, जो कि लंदन में है और वो पूर्वा से प्यार भी करता था, तो सब पता करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि गुरु ने पूर्वा से शादी के लिए पूछा था पर विक्रांत का नाम लेकर उसने मना कर दिया था। अखिराज अब विक्रांत को कॉल करके कहता है कि धर्मेश की जगह तुम ही पैसे लेकर आ जाओ और उसे गुरु के बारे में भी बता देता है। विक्रांत अब धर्मेश की बॉडी के टुकड़े नदी में बहा के निकल ही रहा होता है कि वहां गुरु पहुंचता है, जो कि शिखा के बारे में ऑलरेडी सब पता लगा चुका था। आते साथ वो विक्रांत का फोन मांगता है और उसे टैप करता है। तभी विक्रांत के फोन पे कॉल आता है और गुरु उसे स्पीकर पे डालने कहता है। अब इत्तफाकन वो पूर्वा का कॉल होता है जो कहती है कि हम एक हॉस्पिटल से फोन कर रहे हैं और तुम हमें बचा लो। अब चौपर से गुरु, विक्रांत और गुरु के साथ आए हुए 2 इन्वेस्टिगेटर्स हॉस्पिटल की लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंचते हैं, जहां सीसीटीवी में दिखता है पूर्वा वहां से भाग निकली थी, पर वो फिर से पकड़ ली जाती है और उससे पहले ही उसने फोन पे इन्हें सब बता दिया था। अब यहां किडनैपर की छोटी बच्ची शेरपा ने किडनैप कर ली ताकि वो उस पर प्रेशर बना सके।
वहाँ शिखा के घर गटर साफ करने वाले कंप्लेन करते हैं कि उसमें से कुछ मांस और हड्डी निकल रही है, और हो भी क्यों ना, उस बाथरूम में पूरी बॉडी काटी गई थी। अब यहाँ गुरु, जो कि खुद बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटर है, सब कुछ पता लगाते रहता है और अखिरात से कहता है कि जिस आदमी ने पूर्वा का किडनैप किया है वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, ना कि किडनैपर। किसी ने इसे पूर्वा को मारने के लिए हायर किया था, और ये आदमी जो भी है ये बात जानता था कि पूर्वा 16 तारीख को लद्दाख जाने वाली है। तब अखिराज कहता है कि ये बात तो सिर्फ अखिराज, धर्मेश, पूर्वा और विक्रांत को ही पता थी। गुरु किसी तरह ये प्रूफ करता है कि ये सब विक्रांत का ही किया धरा है, पर विक्रांत बात संभाल लेता है। आगे अकेले में जाकर विक्रांत अखिराज को धर्मेश के खिलाफ भड़काता है, क्योंकि धर्मेश अखिराज का भांजा होता है। लेकिन तभी न्यूज में पता लगता है कि नदी में धर्मेश का कटा हुआ सर मिला है, और अगली तरफ वादे के मुताबिक किडनैपर अखिराज से पूर्वा की वीडियो कॉल पे बात करवाते हैं, और गुरु की स्मार्टनेस की वजह से वो उसका एड्रेस डिकोड कर लेते हैं। यह किडनैपर पे शेरपा प्रेशर बना रहा था पूर्वा को बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए, और ये लोग बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए उसे यहाँ से लेकर निकल भी रहे थे, पर गुरु सब कुछ ट्रैक कर रहा था और उनके पीछे ही था चॉपर से। पर विक्रांत गोल्डी का फोन यूज करके किडनैपर को ये खबर दे देता है, और किडनैपर फिर यहाँ अखिराज को पूर्वा को मारने की धमकी देता है। अब अखिराज गुरु को ऐसा करने से रोक देता है और चॉपर वापस लाने कहता है। तभी शेरपा किडनैपर से कहता है कि अखिराज को कॉल करके कहो कि नेपाल बॉर्डर के पास के ब्रिज पर आकर अपनी बेटी ले जाए। जैसे ही अखिराज को वो कॉल करके ऐसा करने कहता है, अखिराज के मुंह से निकलता है शेरपा। अखिराज वहां जाने के लिए वहां से निकलता है, और यहां गुरु अकेला ही स्नाइपर लेके चॉपर से कूद के पूर्वा को बचाने निकल पड़ता है। अब अखिराज भी वहां पहुंचने के लिए निकलता है, और रास्ते में विक्रांत को शेरपा के बारे में बताता है कि वो उसी का एक पुराना आदमी दिलावर है, जिससे इसकी दुश्मनी है, और अब वो नेपाल में कहीं छुपा है, और वो दरअसल मुझे मारना चाहता है। ये कहकर उसे गाड़ी से उतार देता है। पर विक्रांत सब कुछ अपने आंखों से देखना चाहता था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पूर्वा भी मरेगी, इसीलिए वो बाइक से उनका पीछा करता है। अब अखिराज वहां लोकेशन पर पहुंचता है और उनसे कहता है कि पूर्वा के कार में पहुंचने से पहले पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। जब किडनैपर पूर्वा को लेने जाते हैं तो पूर्वा उनकी गन छीन के उन्हीं को मारना शुरू कर देती है, और वहां से चॉपर से कूदा गुरु भी फायर करने लगता है। तभी शेरपा के लोग किडनैपर की बेटी को वहां से लेके चले जाते हैं, और भागते हुए पूर्वा विक्रांत को मिल जाती है। तब गुरु और विक्रांत उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और यहाँ डॉक्टर्स बताते हैं कि पूर्वा सेफ है और प्रेग्नेंट है। अब पूर्वा को धर्मेश की मौत के बारे में पता लगता है, तो वो पूछती है आखिर इन सबके पीछे किसका हाथ है। थोड़ी देर बाद वो विक्रांत से पूछती है कि डॉली कहाँ है, और ऐसा क्यों होता है कि जो उससे मिलने जाता है वो वापस नहीं आता, पहले वो दोनों गुंडे और अब धर्मेश भाई। अब विक्रांत कहता है कि डॉली अपने हस्बैंड के साथ होगी। तभी पूर्वा उसे बाहर जाने को कहती है और अखिराज से अकेले में कुछ बात करती है। अब अकेले में पूर्वा याद करती है कि कैसे विक्रांत ने उसे डॉली के बारे में बताया था, और कैसे उससे रिक्वेस्ट करके उन गुंडों से डॉली को बचा लिया था, और बाद में उसे ये भी पता चला था कि वो दोनों गुंडे भी मारे गए। तभी वो जाती है गुरु के पास, जहां वो किडनैपर का नाम पता करने की कोशिश कर रहा था, और क्योंकि पूर्वा ने उसका नाम सुना होता है वो उसका नाम बताती है जलान। और अगली तरफ हम देखते हैं कि किडनैपर जलान, जिसकी बेटी को शेरपा ने किडनैप किया था, वो उसे मारने जा रहा होता है, ये कहकर कि ना तो तुम अखिराज को मार पाए ना उसकी बेटी ला पाए। लेकिन जलान उससे 24 घंटों की मोहलत मांगता है। अब यहाँ विक्रांत से मिलने इंस्पेक्टर पाठक आता है और उसे ब्लैकमेल करते हुए पैसे मांगता है कि वो पूर्वा को बता देगा कि उसी ने आदमी भेजे थे उन दोनों गुंडों को मारने के लिए। पूर्वा को गुरु के साथ पता लगता है कि डॉली ही शिखा है, और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से ये भी दिखता है कि धर्मेश शिखा के घर में गया तो था पर कभी निकला नहीं, और उसका सर हिमाचल में मिला है, जिसपे पूर्वा गुरु से कहकर शिखा और उसके परिवार का पता लगाने कहती है। अब यहाँ विक्रांत पाठक से मिलने जाता है, और वहीं पे उसे किडनैपर जलान मिलता है और कहता है कि तुम्हें और हमें दोनों को पूर्वा की मौत चाहिए। अब जलान और विक्रांत दोनों साथ मिलकर पाठक को ठिकाने लगा देते हैं। विक्रांत जलान को प्लान बताता है कि कैसे उसे अखिराज को मारना है। वो बताता है कि धर्मेश के लिए एक पूजा है और वहां पे अखिराज और पूर्वा दोनों होंगे, और विक्रांत जलान को सामने वाले गोडाउन में पहुंचा सकता है, जहां से वो इजीली अखिराज को मार सकता है और पूर्वा को ले जा सकता है। विक्रांत शिखा को भी कॉल करके उसके साथ भागने को, वहां से निकलने को कह देता है। अब पूजा वाले दिन विक्रांत जलान को गोडाउन पहुंचा देता है, जहां से वो अपनी पोजीशन ले लेता है। अखिराज के घर पर काफी सिक्योरिटी टाइट होती है, और गुरु भी अपने आदमियों के साथ सबको मॉनिटर कर रहा होता है। तभी जलान उसे बताता है कि काम होने के बाद
5 बजे से पहले फो और उसका परिवार नेपाल बॉर्डर पार कर जाए, क्योंकि उसके बाद ये सब जलान की जिम्मेदारी नहीं होगी। तभी विक्रांत शिखा को और खुद की फैमिली को पूरा प्लान बता देता है और उन्हें नेपाल बॉर्डर निकलने को कह देता है। अब ये सब लोग अपने प्लान के मुताबिक अपने काम पर लग जाते हैं, गेस्ट आने लगते हैं और पूजा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ जलान को पता नहीं होता कि अखिराज कौन है। तब विक्रांत उससे कहता है कि मैं पूर्वा को अंदर से लाता हूँ और अखिराज के बगल में जाकर बैठ जाता हूँ। सब प्लान के मुताबिक होता है, लेकिन जब विक्रांत पूर्वा को लेने अंदर जाता है, पूर्वा उनके होने वाले बच्चे की हार्ट बीट उसे सुना देती है और तभी विक्रांत का मन डोल जाता है और वो अकेले ही बाहर आ जाता है और अखिराज के पास जाकर बैठ जाता है। तभी जलान को शेरपा का कॉल आता है और वो उसे फिर से याद दिलाता है कि अखिराज को मारना है और पूर्वा को सही सलामत उसके पास लेके आना है। अब पूजा में आहूति देने के लिए जैसे ही अखिराज उठता है, वैसे ही जलान गोली चला देता है और वहाँ भगदड़ मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर विक्रांत वहाँ से भाग निकलता है। इधर गुरु जलान को पकड़ लेता है। अब दूसरी तरफ शिखा भी नेपाल बॉर्डर पर उस जगह पर पहुंच चुकी है जहाँ विक्रांत ने उसे आने को कहा था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से नीचे उतरती है मॉनेस्ट्री जाने के लिए, तो वहाँ सामने पूर्वा खड़ी होती है और जहाँ विक्रांत मॉनेस्ट्री के अंदर शिखा को एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी जगह वहाँ पूर्वा एंट्री लेती है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है। अब सीन कट होता है और हमें वॉर्सो ले जाया जाता है, जहाँ पे हम शेरपा को देखते हैं। वहाँ वो एक पेशेंट से कहता है वो पूर्वा को नहीं ला पाया और वो लेडी उदास हो जाती है। इसके बाद कहानी कुछ महीनों का जंप लेती है और हम पहुंचते हैं उसी सीन में जहां से इस शो के सीजन 1 की शुरुआत हुई थी, और हम देखते हैं विक्रांत को गोली चलाते हुए और लास्ट में उसे एक गोली लगती है और वो गिर जाता है। लेकिन उसे तभी वहां पूर्वा दिखाई देती है और यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।